अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज के व्लॉग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो आप समझ लें है या थोड़ी बहुत, लेकिन काम का लेडी ऊबर क्रीम के बारे में आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उसके बारे में व्लॉग नहीं है। व्लॉग है जी आज हम जा रहा हूँ वैक्सीन की जो है ना सेकेंड डोज लगवाने। तो जो है वो सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज लगवा ली थी, उसके 15 दिन बाद आपने लगवानी होती है जी सेकंड डोज। तो अभी सेकंड डोज के लिए अभी काम के साथ मैं अभी एक टी शर्ट ले आया था, तो अभी इधर मौला फैमर्स के पास से गुजर रहा हूँ, आईडियाँ कर दी हैं बंद, तो सवारी तो लगी नहीं, तो ट्रिप लगा नहीं, 2 घंटे से वेट कर रहा था JLT में। तो अभी जो हूँ निकल चुका हूँ इधर से, ये सामने मौला फैमर्स है इस तरफ मेरे। अभी अगर RTA देख ले तो यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म होता है वो वाइट शर्ट है और ब्लैक पैंट है और ड्रेस पैंट है जो मैंने कभी नहीं पहनी, मैं जीन्स ही पहनता हूँ, लेकिन 2 साल हो गए हैं अभी तक जो है बचा हूँ। तो शर्ट ये है कि शर्ट वाइट पहन लेता हूँ, क्योंकि शर्ट बाहर से भी नज़र आ जाती है कि शर्ट वाइट है या नहीं वाइट। तो अभी जैसा कि मैंने टी शर्ट पहनी हुई, अभी वो देखेंगे, तो अभी मेरे पास एक बहाना है कि मेरी अपॉइंटमेंट है 4:20 पे सिटी वॉक में वैक्सीन लगवाने के लिए। तो अभी जो है टाइम 4:04 हो गया, वैलिड जो है ना मेरे पास रीज़न है अभी इस टाइम, इसलिए कि मैंने काम छोड़ दिया। अब तो मैं अपना एक काम करने जा रहा हूँ, तो उस काम में तो यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो वैक्सीन लगवाए हुए बहुत से, पहले मैंने बहुत पहले लगवा लेनी थी, दुबई में बहुत पहले की लग रही है। अभी तो उन्होंने पाबंदी लगानी शुरू कर दी है, सख्ती करनी शुरू कर दी थी कि अभी जिसने अभी भी ना लगवाई उसको फ़ाइन होगा। तो लगवाई मैंने इसलिए नहीं कि बहुत से दोस्त थे वो कह रहे थे नो नो, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे, ये होगा। इवन उन सब दोस्तों ने लगवा लिया खुद और मैं जो पीछे रह गया हूँ। तो अभी मैंने, फिर मैंने जब अपॉइंटमेंट के लिए बुक किया तो मुझे फ़ाइज़र के लिए टाइम नहीं था मिल रहा फ़ाइज़र के लिए। तो फिर एक मसला आ रहा था, मेरी जो आईडी में जो नंबर होता है सऊदीया में, वो ऑप्शन में जो नंबर आपका ऐड होता है, इधर भी जो आईडी में आपका नंबर ऐड होता है, वो पता ही नहीं किसका लगा हुआ है। उसमें वो एक वेरिफिकेशन के लिए वो एक कोड भेजते हैं, तो वो मेरा नंबर नहीं था लगा हुआ, तो वो चेंज करवाने का भी प्रोसीजर जो है वो लंबा था, मैंने नहीं फिर करवाया। तो सीहा अबू धाबी की इनकी तरफ से आप साइनोफार्म की लगवा सकते हैं, उनकी सीहा जो एप्लीकेशन है उसमें से जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मैंने उधर से ही किया सीहा, तो वो साइनोफार्म लगा रहे हैं दुबई में, तो अब चाइना की वो साइनोफार्म लगवाएंगे आज दूसरी डोज। तो पहले भी वो कहते हैं कि पहली डोज के बाद आपकी वो काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार हो जाता है, उसके अलावा आपका वो बाजू एक दर्द करता है जिसमें वो लगती है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले डोज में कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देखते हैं कि सेकंड में क्या उनका काम चलता है या क्या हिसाब किताब है। तो चलें चलते हैं, अभी जो मैप है वो 10 मिनट शो कर रहा है और टाइम 4:06 हो गए हैं, 4:16 पर पहुँच जाऊँगा। पहले उन्होंने वो चेकिंग भी करनी है जी, वो वेरीफिकेशन भी करनी होती है कि बंदा वो ही है जिसने पहली लगवाई थी। तो चलें चलते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर लगती है आज। दो मिनट रह चुके हैं, मैं बिल्कुल जो है ना सेंटर के पास पहुंच चुका हूं। तो ये सामने बुर्ज खलीफा, बाकी चलें चलते हैं वैक्सीन लगवाने। फर्स्ट डोज की दफ़ा आया था तो इतना रश नहीं था, इतनी गाड़ियां नहीं थी, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि लाइन में ही लग के जो है ना, कल पिछली दफ़ा फ़ौरन लग गई थी। बाकी अभी देखते हैं, गाड़ियाँ काफ़ी आगे जा रही हैं। तो आखिरकार जो है ना वैक्सीन की लाइन से क्लियर करवाता हुआ डॉक्यूमेंट्स इधर पहुँच ही आया हूँ।
पहले सबसे पहले ये बंदा है, ये इधर आके वो सारी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल लेता है। तो डिटेल लेने के बाद फिर आप लाइन ये बनी हुई है, उस लाइन से होते हुए जो है ना आप आ जाते हो। अभी मेरे जो बैग पे कोई भी नहीं है, ये कोरोना टेस्ट हो रहा है इस लाइन में, और इस लाइन में जो है वैक्सीन लग रही है। अभी भी वो इधर से डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, जैसे ये हो गया। तो उसके बाद एमरस आईडी, उसके बाद ये आपको वैक्सीन कौन सी लगी है। पहली डोज लगी थी 14 को, लेकिन नेक्स्ट डोज उसने लिखी हुई है डेट 5 जून, लेकिन जो मुझे मैसेज आया हुआ है वो 4 का आया हुआ है। तो अभी जो है देखते हैं नेक्स्ट। जो बाहर जा रही हैं वो समझें कि वो इस लाइन में आ रही हैं ये, और जो अंदर वाली हैं वो इस तरह। मेरे पीछे भी एक गाड़ी अभी आ चुकी है, तो बाकी अभी नंबर जो है ना वो पास ही आने वाला है, बाकी चलें देखते हैं। ज़्यादातर जो है ना वो कोरोना टेस्ट के लिए हैं। अच्छा जी, अभी जो है ना काफ़ी तो नहीं, 3-4 गाड़ियाँ भी आगे हैं ही, टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट जो है ना वो लग ही जाएंगे। तो चलें देखते हैं। तो मुझे अभी वो दे के गया है एक फ़ाइल जो पिछली दफ़ा भी उसने दी थी कि इसको फिल फॉर्म को करना है। तो अभी इसका काम है नहीं, बाहर तो कैमरे शैमरे लगे होते हैं, तो अभी करते हैं इसको फिलअप। तो फिलअप करने के बाद जो है ना वो देखते हैं। कह रहा था कि पिछली तरह की तरह के ही फॉर्म हैं। चलें जी, ये फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट। पिछली दफा देखते हैं, दूसरा तो उसने भी फिल किया, ओके हो गया, ये भी फिल हो गया। अब इसके बाद ये फिल करते हैं जी। डेट तो फॉर्म तो मैंने कर लिया, दोनों पुर दो फॉर्म दे के गया, तो दोनों हो गए हैं फिलअप। तो बाकी वो आता तो फिर उसको ये हैंड ओवर करवा देते हैं। तो गाड़ी वो आगे जा चुकी है, तो अब हमारी बारी भी है, थोड़ा सा आगे गाड़ी कर लें। इधर आगे वो थोड़ा सा वो जो ब्लड प्रेशर वगैरह और सवाल जवाब करेगी वो इधर ही करेगी, बाकी चल देखते हैं। अभी ये जैसे इधर से चेक कर रहा है ब्लड प्रेशर उसका सामने वाली गाड़ी कैसे, फिर बाद में हम मेरी बारी भी आने वाली है, तो बाकी चलें। सर फर्स्ट सेकंड डोज, सेकंड डोज 28। यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट डोज? नो प्रॉब्लम। यू हैव एनी एलर्जी टू मेडिसिन? नो। यू टेस्टेड पॉजिटिव कोविड-19 रिपोर्ट? यस। व्हाट मंथ?
before the vaccine? Yes, before the vaccine. You have other diseases like hypertension, diabetes, no. cholesterol, no? Diabetes before 2 years, but now is no. It's normal? You're not taking any medicine now? No medicine. Okay. You need to sign this one again, sir? Hmm? Right? Yeah. This one, sorry, sir. Name, signature. Okay. Okay. Blood pressure is okay? Yeah. All right. Thank you. तो एक जगह पे साइन रह गया था, वो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट चेक करके गया, वो भी सारा एवरीथिंग इज ओके। तो अभी जो है वो एक जगह पे साइन रह गया था, वो दे के गया, वो भी कटने लगा। तो बाकी अब रह गया लगने वाली बस वैक्सीन, तो वो भी अब लग जाती है, देखते हैं। तो ये पिछली दफ़ा तो एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक हुआ था, अभी वो दोबारा कर रही है इस गाड़ी में, तो चलें देखते हैं। Your name, sir? मनीप। मनीप? तो अभी जो है वो फाइल पे वो टैग लगा के गया है मुनीत का, तो जो जो भी हो लगने हैं, तो ये फाइल रेडी, अब सिर्फ रह गई है लगने वाली वैक्सीन बस। अब लास्ट स्टेज पे उधर जाके लगेगी वैक्सीन, तो मेरे ख्याल से पहले नेक्स्ट अगले बंदे को लगने लगी है, और उसके बाद Yes, Munir. Can you hold this one? भाई वो दे गई है कि वैक्सीन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, RFID ये भी, फाइल भी, वैक्सीन बस रह गई है, और वो भी आई थिंक अन करीब जो है ना वो लगने वाली है। आ गई अपनी बारी। This is your ID? Yes. Okay. Ah, sorry. This is yours. This is mine. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.
आफ्टर ऑल जो है वैक्सीन इज़ डन, लेकिन पिछली दफ़ा बिल्कुल मकदार में थोड़ी थी, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा पूरा इंजेक्शन फुल था, फील भी हुआ, पिछली दफ़ा कोई फील नहीं था वो। बाकी अभी असल में पता चल गया रात में कि क्या हिसाब किताब है इसके, पिछली दफ़ा बिल्कुल फील नहीं था हुआ कि कोई चीज़ लगी भी है, लेकिन इस दफ़ा महसूस हो रहा है। बाकी चलें, अभी वो आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वैसे मुझे उसने फारिग कर दिया, अब जा सकता हूँ, तो बाजू में फील हो रहा है, पिछली दफ़ा नहीं था हुआ, बिल्कुल नहीं था हुआ। गाड़ी जो है वो आगे से जा चुकी है और डन हो गई है वैक्सीन, तो अब जो है जाने का प्रोसीजर शुरू, तो वैक्सीन इज डन। यस यस वैक्सीन, ओके थैंक यू। ले जी काम हो गया है डन, और अब है जी जाने का टाइम, और गाड़ी वाले ने आगे लगा ली है ब्रेक, तो हम साइड से गुजर जाते हैं। तो आपको कल बताऊंगा इसका जो है ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी फील, पिछली दफ़ा मैंने लगवाई थी सीरियसली बिल्कुल फील ही नहीं था वाकई कोई चीज़ लगी है, लेकिन इस दफ़ा लगाते ही पता चला कि कोई चीज़ लगी है। चलें देखते हैं, और आज का व्लॉग भी करते हैं इधर ही ख़त्म, तो कल आपको मैं इसका व्यू दूंगा कि अभी इधर से जो है घर है वो भी देखते हैं जी। 5 मिनट शो कर रहा है, मैं इधर से घर जाने के लिए 5 मिनट मुझे लगेंगे, तो बाकी फिर चलते हैं गाड़ी, हमारा इधर और क्या काम है। अब वैक्सीन तो वो थी जो लग गई, आज काम ख़त्म हो गया, नहीं तो दुबई वाले जी ये पाबंदी लगा देंगे, ये आप वैक्सीन तो वैक्सीन के बगैर उधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, तो आज वैक्सीन वाली कहानी जो है वो हमने सिरे से ख़त्म कर दी है। नाउ आई एम वैक्सीनेटेड, और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दुबई के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, खास कर लेमोजीन और टैक्सी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जो है वो जवाब दूंगा डिटेल के साथ। अगर कमेंट्स में जवाब दे सकता हुआ तो कमेंट्स में दूँगा, नहीं तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता दूँगा। तो फिर आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।